होपफुली आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आगे क्या देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। अल्लाह। इस वीडियो के बाद मेरे पास कमेंट आया कि फेस पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, क्या करें। तो फिर आपकी बाजी कम्स टू द रेस्क्यू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बनाने वाली हूँ ड्राई स्किन, स्केली स्किन के बारे में, और उसके बारे में बात करते हैं, साथ में काम भी करते हैं। जब इस बारे में रिसर्च करने बैठी तो मुझे मालूम लगा कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई करती है, जिनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है बहुत ठंडे कोल्ड वेदर का, जहाँ पे ह्यूमिडिटी कम होती है और आपकी स्किन के ऊपर के लेयर के मॉइस्चर को वो जज्ब कर लेती है। हवा भी ड्राई होती है साथ में, तो वो आपकी स्किन के जो लेयर का मॉइस्चर होता है उसको जज्ब कर लेती है। बहुत हार्श केमिकल्स, सोप, डिटर्जेंट जो कि, और ख़ासतौर पर वो फ्रेगनेंट होते हैं, जो कि आपकी स्किन को ड्राई कर सकते हैं। अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा वॉश करना, बहुत गर्म पानी से वॉश करना भी आपकी स्किन को ड्राई कर सकता है। अनबैलेंस्ड स्किन पीएच भी आपकी स्किन को ड्राई करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा कुछ ख़ास स्किन कंडीशंस होती हैं जो कि मेडिकली कोई डॉक्टर ही सॉल्व कर सकता है। डायबिटीज़ हो गई, हाइपोथायराइडिज्म हो गया, आप स्मोकिंग की आदत हो गई, या बहुत ज़्यादा एक्सपोजर डायरेक्ट सनलाइट को ले के भी स्किन को ड्राई करता है। इसके साथ साथ आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा एजिंग भी, जो एजिंग फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्किन को ड्राई करने के लिए। इसके बारे में अगर हम अपनी रेमेडीज़ के बारे में बात करें या स्किन केयर को लेके बात करें, तो स्किन को डेली बेसिस पे मॉइस्चराइज करना, एक जेंटल क्लेंज़र का इस्तेमाल, एक्सफोलिएट करना ड्राई स्किन को एक ख़ास इंटरवल के बाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्किन को रेडिएंट, ग्लोइंग और मॉइस्चराइज रखने के लिए। बाथिंग हैबिट्स को अपना इम्पॉर्टेंट करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप वार्म वाटर यूज़ करते हैं, हॉट वाटर यूज़ नहीं करेंगे, तो आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी। इसके अलावा ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल अपने घर के अंदर या वर्क प्लेस में, जहाँ भी आप हों, मेडिकेशंस जो कि स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी अगर आपको कोई क्रॉनिक इशू है। इसके अलावा जब हम बात करते चलें तो अपने फेस को अपने जेंटल क्लेंजर से वॉश करना है, सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है, मॉइस्चराइजर करना है। जब भी आप बात करते हैं अपने फेस वॉश को यूज़ करते हैं, ना गुनगुने पानी को इस्तेमाल करना है, पानी बहुत ज़्यादा पीना है, कैफीन का इंटेक कम करना है, डायरेक्ट सनलाइट कम करनी है और आर्टिफिशियल टैनिंग से बचना है। आपसे बिल्कुल नहीं कहूँगी कि हर सूरत में मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। दो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो, व्यूज नहीं आ रहे, प्लीज कर दो, कर दो, कर दो, कर दो। कोई तरीका है भीख मांगने का? इन तमाम मसाइल के हल के लिए आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्किन बाम, जो कि मेरी हर रेमेडी की तरह जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त होता है। बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं जो कि आपकी स्किन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि उल्टा ये आपको सपोर्ट करते हैं। आपकी स्किन में ड्राइनेस होगी वो कम करेंगे, आपकी स्किन में टैनिंग हो रही है, आपका कलर कम हो रहा है ड्राइनेस की वजह से, वो तमाम इश्यूज इस स्किन मॉइस्चराइजर से बहुत आराम से हल हो जाएंगे। एक पैच बनाना है आपने और पूरा जो सीज़न है वो आपका चल जाएगा आराम से। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल इसको सिर्फ सर्दियों में या सिर्फ गर्मियों में यूज़ कर सकते हैं। ये स्किन बाम हर तरह के वेदर के लिए, हर तरह की स्किन के लिए, ख़ास तौर पे ड्राई स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो है जोजोबा ऑयल, ये है बीज वैक्स जो कि रिफाइंड है, अनरिफाइंड मिलती है, अनरिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं होता। मतलब ये इनमें, मतलब ये ज़रूरी है, ठीक है। साथ में लेने वाले हैं हम असली देसी घी। अगर आप असली देसी घी नहीं यूज़ करते हैं, नहीं पसंद करते, तो आप साथ में यूज़ कर सकते हैं आमंड ऑयल, स्वीट आमंड ऑयल या तिल का तेल। ऑलिव ऑयल लेने वाले हैं हम,
इस रेसिपी को यूज करने के लिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज चाहिए हमें कंटेनर, साफ सुथरा सूखा हुआ कंटेनर, ताकि हम इसमें इस चीज को जो है ना वो बंद करके रख सकें। अब हम शुरू करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले एक साफ सुथरे बोल में और साफ सुथरे स्पून की हेल्प से एक हाफ टी स्पून हमने डाले हैं बीज वेक्स पैलेट, जो कि ऑनलाइन भी आराम से अवेलेबल है। मैंने तो स्टोर से लिए थे, क्योंकि पंसारी की तरह भी मिल जाते हैं ये। और इसके बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ असली घी, जो कि माशाल्लाह से पाकिस्तान में हर जगह अवेलेबल होता है, आराम से कोई सा भी ले सकते हैं। इसमें मैंने डाला है बीज वेक्स में थोड़ी सी असली घी। अब हम इसको माइक्रोवेव करेंगे, चाहे तो डबल बॉयलर मेथड, जो कि मेरी पिछली वीडियोस में भी आप देख सकते हैं, उसके ज़रिए भी हम इसको मेल्ट कर सकते हैं। असल मकसद इसको मेल्ट करना है, तो मैं माइक्रोवेव में मेल्ट करने लगी हूँ। 30 सेकंड्स इसको चलाने वाली हूँ। और इस तरह 10-10 सेकंड्स करके तकरीबन 40 सेकंड्स के अंदर ये पैलेट्स मेल्ट हो जाते हैं। 20 पैलेट्स को मेल्ट करने के बाद अब हम इसमें सबसे पहले होहोबा ऑयल डालने वाले हैं। इतनी देर में हम कोशिश करेंगे कि ये ठंडा हो के हार्ड ना हो जाए, क्योंकि जैसे ये ठंडा होगा ये हार्ड हो जाएगा। तो होहोबा ऑयल या जोजोबा ऑयल के हम डालने वाले हैं तकरीबन 1.5 खाने का चमचा डाला है। थोड़ा थोड़ा मैंने करके डाला था, तो अभी वीडियो में तो खाली आधा खाने का चमचा, आधा चाय का चमचा ही एक्चुअली में नज़र आ रहा है। इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं ऑलिव ऑयल, वो भी तकरीबन हम 1.5 चाय का चमचा डालने वाले हैं, मतलब हाफ टी स्पून बीज वेक्स पैलेट्स में हमने यूज़ करना है हाफ टी स्पून ऑफ देसी घी। इसके अलावा 1.5 टी स्पून ऑफ होहोब ऑयल एंड ऑलिव ऑयल। इसके बाद इसको बहुत अच्छे से मिक्स करते जाना है, और फौरन ही जब तक ये मेल्ट है इसको फौरन हमने इसमें साफ़ सुथरे कंटेनर में डाल देना है। अच्छा, अगर आप लोगों को एक्नी का प्रॉब्लम है तो आप इसमें टी ट्री ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, देसी घी ऑप्शनल है। कुछ लोगों को इसकी स्मेल कुछ खास अच्छी नहीं लगती है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन असली घी का फ़ायदा बहुत है। ये आपकी स्किन को टैन होने से बचाता है, स्किन की रंगत को साफ़ करता है, स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है। इसमें ख़ास लैक्टिक एसिड होता है, जो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। अगर आप घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप इसके अलावा आमंड ऑयल, स्वीट आमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी भी उतनी होगी जितनी घी की बताई है। इसके अलावा कैस्टर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। आमंड ऑयल आपको नहीं मिलता तो आप तिल का तेल जो होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने इसको स्किन के किसी भी हिस्से में, हाथों पे और किसी भी पोर्शन पे जो बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है वहाँ यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीन का तरीका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कोई आसान है, कोई कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। जब भी आप अपना फेस वॉश करेंगे या जब आपको ज़रूरत महसूस होगी कि स्किन ड्राई हो गई है, आपने अपनी स्किन पे लगा लेना है। ख़ास तौर पे फेस वॉश करने के बाद जब हल्की सी गीली स्किन होती है उसके ऊपर इसको लगा के बहुत हल्के से मसाज करना है, बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है, और फिर इसको छोड़ देना है। होपफुली आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपने पहले ही कर लिया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आगे क्या देखना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।